अच्छा बच्चे, स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह अलमाइटी, इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आर डिस्कशन रिगार्डिंग द न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 4. इन द प्रीवियस वीडियो वी एंडेड अप ऑन प्रॉब्लम 4-5 एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू फ्रॉम प्रॉब्लम 4-6. इन प्रॉब्लम 4-6 यू हैव द डेटा अवेलेबल, डेट इज़ योर बैलेंस शीट. आपने करना क्या है, आपने सिर्फ पहले रिक्वायरमेंट पढ़नी है, उसके बाद आप डेटा पे आएंगे. अच्छा, यहाँ पे आपने चीज़ देखें, जो जो चीज़ निकालने को कहें आप बस सिंपल वही चीज़ कैलकुलेट करते जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व द न्यूमेरिकल. कैलकुलेट द फर्म्स नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2012 यूजिंग द इक्वेशन 4-1. हमने पहले भी बात की थी कि इक्वेशंस को अब हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, एज इट इज़ लेके चलेंगे. एक्सप्लेनेशन के लिए हमने थ्योरेटिकल डिस्कशन में काफ़ी उस पर बात कर ली थी. जब हम बात करते हैं नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, प्रॉब्लम 4-6 ए पार्ट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो उसमें हमारी बात क्या आती है कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस मल्टीप्लाई 1 - टैक्स परसेंटेज. अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स उन्होंने हमें खुद दे दिया 2700, हमने वो लिख लेनी है. मल्टीप्लाई 1 - टैक्स परसेंटेज हमारे पास कितनी है, 40%. ठीक है, हम इसको एज इट इज़ कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लेते हैं. 2700 इंटू 1 - 40% ब्रैकेट क्लोज एंड यू विल हैव द आंसर डेट इज 1620. ये हमारा ए पार्ट सॉल्व भी हो गया. अगले पार्ट पे चलते हैं. अगले पार्ट में दे आर सेइंग दैट यू हैव टू कैलकुलेट द ऑपरेटिंग कैश फ्लो. ऑपरेटिंग कैश फ्लो विल बी इक्वल बाय फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2012 यूजिंग इक्वेशन 4-3. As long as operating cash flow is concerned, operating cash flow is basically net operating profit after tax plus depreciation amount. Fine. As long as the net operating profit after tax is concerned, net 1620 is basically your net operating profit after tax plus depreciation amount. The depreciation amount is given to you, that is 1600. So what you have to do, you just have to add the values 1620 and 1600, that will be 3220. That will be your answer of the part B part. As long as the part C is concerned, calculate the free cash flow. आपने free cash flow calculate करना है. Free cash flow के लिए हमारी discussion क्या हुई थी, free cash flow is basically the operating cash flow minus net fixed assets investment minus net current assets investment. As long as the operating cash flow is concerned, we have the answer that is 3220 minus net fixed assets investment and net current assets investment. अब हमने ये सिर्फ दो फैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं, इनके आंसर लिखेंगे, वी विल बी एबल टू सॉल्व सी पार्ट. नेट फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट में हमने क्या कहा था, नेट फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट बेसिकली द चेंज इन फिक्स्ड एसेट्स प्लस डेप्रिसिएशन. और डेप्रिसिएशन हमारे पास 1600 पहले ही उन्होंने दे दिया है, वी शुडेंट बी वरी अबाउट दैट. चेंज इन फिक्स एसेट्स, तो चेंज इन फिक्स एसेट्स के लिए हम अपने डाटा पे चलते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे फिक्स एसेट्स देखें, ये उन्होंने हमें टोटल फिक्स एसेट्स दे दिए हैं. ठीक है, 2012 में कितने हैं, 14800, और 2011 में कितने हैं, 1500. तो देखा जाए कि 2011 से 2012 तक कितना चेंज आया, -300 का. चेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, अगले साल में से पिछले साल की एक्टिविटी को माइनस कर लेते हैं ताकि आपके पास चेंज आ जाए. तो 2012 में यू हैव 14800 एंड इन 2011 वी हैव 15100. तो 14800 में से माइनस कर देंगे 15100, तो हमारे पास नेगेटिव का 300 आंसर आ जाएगा. तो अब हमने पहले नेट फिक्स एसेट्स इन्वेस्टमेंट निकालनी थी, इसके लिए हमारा जो आंसर आया है डेट इज़ -300 एंड प्लस 1600. यू जस्ट हैव द आंसर प्लस 1300. ये आपका नेट फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट में आंसर आ गया. ये हमने एक चीज़ कैलकुलेट कर लिया. दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, नेट करंट एसेट्स इन्वेस्टमेंट. नेट करंट एसेट्स इन्वेस्टमेंट में हमने क्या चीज़ पढ़ी थी, नेट करंट एसेट्स इन्वेस्टमेंट, जिसे याद ना हो वो इक्वेशन भी देख सकता है. ठीक है, नेट करंट एसेट्स इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, चेंज इन करंट एसेट्स माइनस चेंज इन अकाउंट पेबल एंड अक्रूअल्स. ठीक हो गया. अब हमने यहाँ पे एक बात समझनी है, चेंज इन करंट एसेट्स में कितना है. तो हम यहाँ पे करंट एसेट्स में जाते हैं, हमारे पास करंट एसेट्स कितने शो हो रहे हैं,
8200 2012 में और 6800 2011 में। चेंज निकालने के लिए 8200 में से 6800 पिछले साल के एसेट्स निकाल लेंगे तो आपके पास जो चेंज आएगा वो कितना आ रहा है 1400 का। तो यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट द चेंज दैट इज़ 1400 माइनस चेंज इन करंट अकाउंट रिसीवेबल एंड अक्रूअल। इसमें चेंज निकालने के लिए मैं यहाँ पे ज़रा सॉल्यूशन पूरा सॉल्व करके आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। पहले है अकाउंट रिसीवेबल में कितना है आपका, पहले आप अकाउंट रिसीवेबल ऑफ अकाउंट रिसीवेबल एंड अक्रूअल्स को ऐड करें 2012 के, फिर आप माइनस कर दें अकाउंट रिसीवेबल एंड अक्रूअल्स ऑफ 2011, तो आपके पास टोटल चेंज आ जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चीज़ें ऐड कर लेता हूँ आपके लिए, आपने सिर्फ यही देखना है जो जो चीज़ कह रहे हैं वही एज इट इज़ आपने करते जाना है। ठीक हो गया, आपके पास देखें अकाउंट रिसीवेबल, बार बार कह रहा हूँ गलती से, अकाउंट पेबल है लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। ठीक है, अकाउंट पेबल आपने माइनस करना है, तो अकाउंट पे 2012 के अकाउंट पेबल कितने हैं 1600, अक्रूअल्स कितने हैं 200, तो मैं अक्रूअल्स अकाउंट पेबल और अक्रूअल्स को ऐड करता हूँ 1600 प्लस 200, ये आपके पास अक्रूअल्स आ गए 2012 के, इसमें से आपने माइनस कर देना है इन ऑर्डर टू फाइंड द चेंज इसमें से आपने माइनस करना है इन ऑर्डर टू फाइंड द चेंज इन बेसिकली द करंट लाइबिलिटीज। अब ये आपके पास 2012 के आ गए, माइनस करते हैं टोटल अकाउंट्स पेबल एंड अक्रूअल्स ऑफ 2011। 2011 के अकाउंट पेबल कितने आ गए, 2011 में आपके अकाउंट पेबल कितने हैं 1500 के और अक्रूअल्स कितने हैं 300 के। 1500 प्लस 300 कितना बन गया, तकरीबन आपका 1800 आ गया। 1500 प्लस 300 आपका क्या बन गया, 2011 के चेंज आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं इसका आंसर, 1400 विल रिमेन 1400। ठीक हो गया, माइनस 1600 एंड 200 कितना बन गया 1800। ठीक हो गया, ये 1800 इज़ बेसिकली द सम ऑफ योर अकाउंट पेबल एंड अक्रूअल्स ऑफ 2012 माइनस अकाउंट पेबल एंड अक्रूअल्स ऑफ 2011। 1500 प्लस 300 डेट विल अगेन बी इक्वलेंट टू 1800, तो 1800 में से 1800 गए कितने आ गए 0। 1400 माइनस 0 विल गिव यू द आंसर डेट इज 1400। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज हेयर इन फ्री कैश फ्लो। तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो कितना है 3220, इसमें से नेट फिक्स एसेट्स इन्वेस्टमेंट 1300 माइनस कर लें एंड नेट करंट एसेट्स इन्वेस्टमेंट 1400 माइनस कर लें, द रिमेनिंग आंसर विल बी योर फ्री कैश फ्लो। तो हम निकाल लेते हैं 3220 में से माइनस करेंगे 1300 माइनस 1400, जब हम दोनों चीज़ें माइनस करेंगे नियर अबाउट 520 इज़ बेसिकली द आंसर यू हैव फॉर द फ्री कैश फ्लो। तो आपके फ्री कैश फ्लो का आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, अब इसके बाद सी पार्ट सॉल्व हो गया हमारा, डी पार्ट में देखें, वो कहते हैं इंटरप्रेट कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट यूर कैश फ्लो एस्टिमेट्स इन बी एंड सी। बी एंड सी में आपने इन्हें इंटरप्रेट करना, इंटरप्रिटेशन इज़ बेसिकली द थ्योरेटिकल एलेबोरेशन ऑफ योर न्यूमेरिकल वर्क। इंटरप्रिटेशन इज़ बेसिकली द थ्योरेटिकल एलेबोरेशन ऑफ योर न्यूमेरिकल वर्क, आप थ्योरेटिकली बता देते हैं कि न्यूमेरिकल में क्या आंसर आया। तो आपका बी एंड सी पार्ट को इंटरप्रेट करते हैं, तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपने क्या कर देना है कि बाय एडिंग द डेप्रिसिएशन, बस ये जो बात कह रहा हूँ आप एज इट इज़ लिखेंगे कि बाय एडिंग द नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन यू विल हैव द टोटल सम ऑफ 3220 एज योर ऑपरेटिंग कैश फ्लो। बात यहाँ पे कंप्लीट, देन यू हैव द फ्री कैश फ्लो। फ्री कैश फ्लो इज़ बेसिकली द कैश यू कैन यूज़ एनीवेयर, यानी ये वो कैश है जहाँ जो मर्जी यूज़ करने, क्योंकि ऑपरेटिंग कैश फ्लो में से यू जस्ट हैव टू यू हैव रिमूव नेट फिक्स एसेट्स इन्वेस्टमेंट एंड यू हैव रिमूव नेट करंट एसेट्स इन्वेस्टमेंट। जब आपने अपने टोटल ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो एक साल में कैश आ रहा है उसमें से फिक्स के लिए पैसे निकाल लिए और करंट एसेट्स के लिए पैसे निकाल, आपने करंट हाँ एसेट्स के चेंज के लिए पैसे निकाल लिए, तो बस वट एवर द विल यू हैव यू कैन यूज़ द मनी। तो फ्री कैश फ्लो में आपके पास पैसे कितने आ गए हैं नियर अबाउट 520 आपका आंसर आ गया, एंड बेसिकली डेट इज़ द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल। ठीक है,
अच्छा, अब मेरी एक बात आप लोगों ने समझनी है कि अब इसके बाद जो हमारे न्यूमेरिकल शुरू हो रहे हैं वो एक बार जब आप देख लेंगे वीडियो आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। जब आप दूसरी बार वीडियो देखेंगे आपको कुछ चीज़ें समझ आने लग जाएंगी, फिर आप जब तीसरी बार देखेंगे और बेहतर होगा, तो आप चौथी बार देखेंगे फिर अच्छा होगा, पाँचवीं मरतबा में आपको पूरा समझ आ जाया करेगा। तो अब से जो जो न्यूमेरिकल्स हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, कैश बजट के, प्रोफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट के और प्रोफॉर्मा बैलेंस शीट के, ये वो न्यूमेरिकल्स हैं जो कि एक मरतबा देखने पर नहीं आने वाले। इसके लिए आपको बार बार वीडियो को देखना पड़ेगा, बार बार चीज़ों को समझना पड़ेगा, उसके बाद यू विल बी एबल टू सॉल्व देम, अदरवाइज़ इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द न्यूमेरिकल्स, ठीक है। हम हर चीज़ को साथ साथ लेके चलूँगा, ठीक है, लेकिन आपको बार बार वीडियो देखनी पड़ेगी वरना आपको समझ नहीं आएगा। अ फर्म हैज़ एन एक्चुअल सेल ऑफ 65,000 इन अप्रैल, एक फर्म ने सेल किए हैं 65,000 की अप्रैल में, 16 में इट एक्सपेक्ट्स सेल्स, इट एक्सपेक्ट्स, ये हो चुका है एक्चुअली, एक्चुअल सेल्स हैं 65 एंड इन अप्रैल एंड 16 में, अप्रैल मई की सेल्स हो चुकी हैं, एक्सपेक्ट कर रहा है यानी अगले सालों के लिए एक्सपेक्टेशन स्टार्ट होगी अगले महीनों के लिए कि $70,000 की सेल होगी जून में एंड 1 लाख की सेल होगी जुलाई में एंड इन अगस्त, यानी 1 लाख की जुलाई में भी होगी एंड अगस्त में भी होगी। अज्यूमिंग डेट सेल्स आर द ओनली सोर्स ऑफ कैश इनफ्लो, कहते हैं सिर्फ सेल्स से ही आपके पास इनफ्लो आते हैं पैसे, एंड हाफ ऑफ देम आर ऑफ कैश, आपकी सारी आधी जो पैसे की सॉरी सेल्स होती है वो कैश पे होती हैं, एंड रिमाइंडर आर कलेक्टेड इवनली ओवर द फॉलोइंग 2 मंथ्स, और बाकी जो पैसे रह जाते हैं इवनली, इवनली मतलब उन्हें अगले 2 महीनों में एक जैसे तक लिए जाते हैं। अब ये जिसे समझ नहीं आई उसे पहले मैं समझा दूँ प्रॉब्लम शुरू करने से पहले, अगर आपने 1 लाख रुपए की सेल की है ना बेटा, इसमें से वो कहते हैं कि हाफ ऑफ इट विल बी इन द कैश फॉर्म, यानी 50,000 तो आपको कैश मिल जाएगा एज इट इज़। तो जब 50,000 कैश सेल आ रही है इसका मतलब है 50,000 आपकी क्या बन गई, क्रेडिट सेल आ गई, जिसे हम आसान अल्फाज में कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल। इस न्यूमेरिकल में वो कहते हैं कि अकाउंट रिसीवेबल इवनली लिया जाएगा, एक जैसा लिया जाएगा अगले 2 महीनों में। अगले 2 महीनों के में का मतलब क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल जनवरी में हमने सेल की 1 लाख की और जनवरी में ही 50,000 के कैश तो हमें मिल गया, तो जो बाकी 50,000 का है उसका एक जैसा यानी नियर अबाउट 25,000 हमें मिलेगा फेबररी में और 25,000 आपको मिलेगा मार्च में। इसीलिए मैंने आपको कहा है कि ये जो अब जो पार्ट शुरू हो रहे हैं इनमें आपको वीडियो को 5-5 मरतबा देखना पड़ेगा, फिर आपको जाके बात समझ आएगी। 1 लाख की सेल पे 50,000 विल बी टेकन इन कैश एंड 50 इवनली रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर 50,000 विल बी इवनली टेकन इन फॉलोइंग 2 मंथ, फॉलोइंग मतलब होता है आगे आने वाले, फॉलो करने वाले, आने वाले 2 मंथ्स यानी 2 महीनों के अंदर। तो जनवरी के आने वाले महीने कौन से हैं, फरवरी एंड मार्च, उनमें बकाया रिमाइंडर को एक जैसा लिया जाएगा। तो 50,000 में कोई इस किस तरह डिवाइड करें कि वो एक जैसा ही फेबररी और मार्च में लिया जाए, तो जाहिर सी बात है 25,000 फेबररी में ले लें, 25,000 मार्च में ले लें, ठीक हो गया। अब इस क्वेश्चन को ज़रा समझते हैं, इस क्वेश्चन अच्छा उन्होंने हमें कहा क्या है, वट आर द फर्म्स एक्सपेक्टेड कैश रिसीट फॉर जून जुलाई एंड अगस्त, तो फर्म जून जुलाई और अगस्त में कितने पैसे ले लेगी, ठीक है। अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, डेट इज़ योर प्रॉब्लम 4-7, ठीक हो गया। 4-7 में हम पहले तो लिख लेते हैं सेल्स, सेल्स ठीक हो गया, अप्रैल मई जून जुलाई एंड अगस्त, फाइन। इन अप्रैल वी हैड द सेल ऑफ 65,000 एंड इन मई वी हैड 60,000, सो 65,000 इज़ योर सेल इन अप्रैल एंड 60,000 इज बेसिकली द सेल इन मई। जून में यू हैव द सेल ऑफ 70,000 एक्सपेक्टेड सेल, 70,000 हो गया। जुलाई में आपकी सेल कितनी है, 1 लाख इन जुलाई एंड 1 लाख इन अगस्त, तो जुलाई के अंदर कितनी सेल आ गई 1 लाख की और अगस्त के अंदर कितनी सेल आ गई 1 लाख की, ठीक है। डेट वॉज द सेल, अभी तक हमने रिसीट्स की बात नहीं की, उन्होंने आपसे पूछा कैश रिसीट्स का कि अगर सेल्स ही इनफ्लो है तो टोटल रिसीट्स कितनी आएगी। पहली बात यह है कि सर वी हैव टेकन सर्टन अमाउंट ऑफ सेल इन कैश, कैश कितना लेते हैं हाफ, तो 50% ऑफ द सेल्स आपको उसी महीने में मिल जाएंगे, यानी अप्रैल में 65,000 का कितने परसेंट आपको मिलेगा,
50% नियर अबाउट 32,500 विल बी टेकन इन अप्रैल। मई की सेल हमने 60 की, उसका हाफ आपको मिल गया, कितना आ गया 30,000। जून की सेल 75 की, उसका 70 की, उसका हाफ कितना मिल गया 35, ये आपको जून में ही मिल गया। 1 लाख की सेल की, उसका 50% आपको जुलाई में ही भी मिल गया। अगस्त में आपने 1 लाख की सेल की, आपको 50% अगस्त में ही मिल गया। यहाँ तक हमारी बात कंप्लीट हो गई। उन्होंने कहा द रिमेनिंग रिमाइंडर विल बी इवनली टेकन इन फॉलोइंग 2 मंथ, आने वाले 2 महीनों में आपको इवनली इस पैसे का इवनली मिलेगा। तो अकाउंट रिसीवेबल में हम आफ्टर 1 मंथ करते हैं, 1 महीने बाद कितना मिलेगा। अगर हमने 50% अप्रैल में ही ले लिया तो हमें 25% इसका अप्रैल की सेल का कब मिलेगा, मई के अंदर, और अकाउंट रिसीवेबल आफ्टर 2 मंथ्स इसी 150,000 का 25% किसे कब मिलेगा, जून में मिलेगा। इसीलिए मैंने कहा क्वेश्चंस आपके मुश्किल होंगे, आपने कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को लेके चलने। और आपको अब आप कहेंगे कि सर 65,000 का हाफ हमने कलेक्ट किया, इसे डिवाइड, ये आ गया, इसे इवनली लेना है आने वाले 2 महीनों में, तो अप्रैल के आने वाले 2 महीने हैं, मई और जून में, तो 30,000 को इवनली लेने के लिए दोबारा 30,000 को 2 पे डिवाइड कर देते हैं, तो 16,250 हमें अप्रैल की सेल का मिलेगा मई में, और इसी का 16,250 हमें मिलेगा जून में। ठीक हो गया। मई में हमने कितने की सेल की, 60,000 की, 30,000 तो कैश में मई में ही मिल गया, इसी 30,000 का 25% यानी इसकी बकाया रिमाइंडर 30,000 बच गया, 60 में से 30 कलेक्ट किए, रिमाइंडर बच गया 30 इवनली लेने आने वाले 2 महीनों में। मई के आने वाले 2 महीने क्या हैं, जून और जुलाई, तो मई के अंदर हमने इसका रिमाइंडर का हाफ इवनली कितना है 15,000, तो 15,000 हम लेंगे जून में और 15,000 हमें मिलेगा जुलाई में। यहाँ तक हो गया। 70,000 की सेल की हमने जून में, उसका हमें 70,000 मिल गया इसी महीने में, 70,000 का डिवाइड किया 2, ये तो हमें 35 मिल गया ये इसी महीने में, इसके 2 पार्ट बनाए, 17,500 मिलेगा हमें जुलाई में और 17,500 मिलेगा हमें अगस्त में, क्योंकि जून के फॉलोइंग 2 मंथ्स, आने वाले 2 महीने जुलाई और अगस्त। ठीक है, जुलाई के अंदर हमने सेल की 1 लाख, ठीक है, 1 लाख के अंदर का 50% तो हमें वहीं पे उसी इस महीने में मिल गया, एंड 25% हमें कब मिलेगा, अगस्त के अंदर, तो वो इसका नियर अबाउट 25,000 हमारे पास आ जाएगा अगस्त में, और इसके अगला जो बाकी 25% होगा, अगस्त से अगला महीना कौन सा आता है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर में मिलेगा। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि हम सितंबर का कॉलम क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि उन्होंने हमें क्या कहा था, उन्होंने कहा था व्हाट आर द फर्म्स एक्सपेक्टेड रिसीव फॉर जून, जुलाई एंड अगस्त, वो सितंबर में जितने मर्जी पैसे मिले हमें, क्वेश्चन में उन्होंने सितंबर की कैलकुलेशन कही ही नहीं है, तो हम यहाँ पे टोटल कैश रिसीट्स बना के दे देते हैं कि हमें इन इन महीनों में कितने कितने पैसे मिलेंगे। ठीक है, बात यह है कि यहाँ पे जो बच्चे गलती करते हैं, सेल्स वाले कॉलम को हमने बिल्कुल नहीं लेना, सेल्स के पैसों ने, सेल्स से हमें बता रहे हैं कि पैसे कितने मिल रहे हैं, सेल्स ने हमें बताना है कि कितने पैसे मिल रहे हैं, हमारी कैलकुलेशन शुरू होनी है कैश से और जितने अकाउंट रिसीवेबल के पैसे अगले महीनों में मिल रहे हैं वहाँ से। तो हमें टोटल पैसे जून में कितने मिलेंगे, जून की सेल का 35% हाफ 35,000, जून में हमें अप्रैल की सेल का 25% भी मिलेगा, जून के अंदर हमें मई के पैसों का 25% मिलेगा, तो टोटल पैसे जून में हमें कितने मिलेंगे, 35 एंड 15 एंड 16 नियर अबाउट 66,250 ये पैसे हमें मिले जून के अंदर। जुलाई के अंदर आओ, 1 लाख की सेल की थी, 50,000 कैश उसी महीने मिल गया था, जुलाई के अंदर जून के पैसों का 25% मिला और मई के पैसों का 25% मिला, नियर अबाउट हमें 82,500 मिला जुलाई के अंदर, ये एक टोटल कैश रिसीट जुलाई की आ गई। अगस्त में आए, 50,000 मिला इसकी सेल का और 25,000 मिला जुलाई का और 17,500 मिला जून का, तो टोटल पैसे हमें अगस्त में कितने मिले, हमें 92,500 हमें अगस्त के अंदर मिला। ठीक हो गया। अब अगर आप ये बात समझें कि हमारे पास टोटल पैसे जो हमें
कैश रिसीट्स जून में मिले हैं वो इतने, ये इतने इतने, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। इस क्वेश्चन को 5 मरतबा वीडियो को आपको रिपीट करके देखना होगा, चीज़ों को समझना होगा। यहाँ जो बात कही जाती है उसमें हमें सिर्फ रोड मैप बता दिया जाएगा। उन्होंने मैप यही बताया कि सेल का हाफ आपको कैश में उसी महीने मिल जाता है और बाकी इवनली अगले 2 महीनों में मिलता है। इवनली मतलब एक जैसी अमाउंट, बाकी की एक जैसी अमाउंट अगले महीनों में। तो अप्रैल का ये इसकी बाकी जो 32,500 बाकी रह गए वो इवनली लेने हैं। तो 16 to 50 मई में और 16 to 50 जून में। मई में भी यूँ ही, जून में भी, जून में, जुलाई एंड में भी यही। हमने सितंबर का कॉलम इसलिए नहीं बनाया क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है। हमने पूछा हमसे 3 महीनों का, हमने उसकी कैलकुलेशन करके दे दिया। डेट इज़ द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर और द वीडियो। अब प्रॉब्लम 4-8 से अगले लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।